नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मैनेजमेंट ऑडिट. अब तक हमने क्वालिटी रिव्यू लर्न किया, पीयर रिव्यू लर्न किया, और साथ में किस चीज को लर्न किया, फॉरेंसिक अकाउंटिंग या फॉरेंसिक ऑडिट जो भी बोल लो. मुझे बताओ ना, कल हमने जो किया थोड़ा सा 10 मिनट वो पूछ लूँ ना, कुछ तो याद होगा कम से कम. ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लैंक ही हो गया. मुझे बताओ डिजिटल टेक्निक में क्या होता है, जिसको पूछो वही बोलेगा. डिजिटल टेक्निक में क्या होता है जिमिता? फुटप्रिंट ट्रेस करते हैं, उसे फिर हम लोग लॉक वगैरह चेक करते हैं। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा वो सब चेक करने से भी पहले? डिजिटल है ना, बोलो. लीगल एडवाइस, हाँ, लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी किसी की, पर्सनल चीजें चेक करने जा रहे हो. क्या नाम है, नैशाली? तुम मुझे बताओ डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग में ऑटोमेटिकली वो डेटा कलेक्ट करते हैं, और एग्जांपल हेडफोन हटा के बोलो ना, आवाज कुछ भी नहीं आ रही. ऑटोमेटिकली डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्ट, समराइज। गड्ढा? मैम ऑटोमेटिक डेटा माइन, मतलब ऑटोमेटिक डेटा को निकलता है वो, एंड हिडन या हिडन डेटा या थोड़े अलग टाइप के डेटा उसको निकालने में मतलब हेल्प होता है उससे, ऑटोमेटिकली निकलता है, ये मेन है उसमें। डेटा माइनिंग मतलब खुदाई करने जाना, और खुदाई करने में कुछ नई चीज निकालते हैं हम. या तो नया रिलेशन सामने आएगा, या अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप सामने आएगा, या हिडन रिलेशनशिप सामने आएगा. दैट इज व्हाट डेटा माइनिंग. तीन टेक्निक थी डेटा माइनिंग की. सलादी, व्हाट वर द थ्री टेक्निक्स ऑफ डेटा माइनिंग? डिस्कवरिंग, प्रेडिक्टिंग एंड समथिंग एनालिसिस। विच वन? डेविएशन. हाँ, डिविएशन। फिर दीपा, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल क्या है? कॉमन सॉफ्टवेयर टूल है जो मतलब हम लोग जनरल सॉफ्टवेयर में जो हम मतलब यूज जो उसमें डेफिशिएंसी थी वो ये कॉमन सॉफ्टवेयर टूल में हम यूज करके उसको इजीली हम लोग मतलब तो मतलब उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग कॉमन सॉफ्टवेयर टूल यूज करते हैं, और इजी टू यूज होता है इसलिए, और हमारा मतलब पर्पस सेटिस्फाई होता है इसलिए हम लोग कॉमन इसमें सॉफ्टवेयर कुछ टूल. और चीजें थी ना, जनरल सॉफ्टवेयर तो एमएस थी. हाँ, एमएस एक्सेल, और MS Excel, वो एम एस सोर्स बता एक्सेस. पड़ता है, बताओ, सोर्स पता चलता है, और सोर्स पता चलता है इसका पर्पस। सोर्स पता चलता है. आगे बोलो जिसको याद आ रहा है. रिलेशन भी पता चलेगा, सोर्स भी पता चलेगा. चलेगा इसीलिए बोला था आज की क्लास मत मतलब अटेंड करना अगर पिछले 3 तुमने रिवाइज नहीं किए हो तो. कल जो चीज 90% लर्न हुई थी, आज वो ऑलरेडी कितने पे आ गई है, 60%. तो ऐसे ही थोड़ी ना बोल रही हूँ कि क्लास दूसरी अटेंड करने से पहले सुबह आधे घंटे रिकॉल करो, और आज तुमने अगर वो आधे घंटे रिकॉल किया होता तो वो फॉर श्योर हो चुका होता. क्यों डिले करना है, क्यों ढील देनी है, क्यों? जब पता है अभी इतनी मेहनत कल 2 घंटे कर ली, पूरा लर्न कर लिया, दिमाग में एक्सप्लेनेशन को भर लिया, व्हाई डोंट यू वांट टू गिव हाफ एन आवर जस्ट फॉर अ रिकॉल सेशन? अब वो तो कोई बैठ के नहीं करवाएगा, रिकॉल सेशन तो तुमको ही करना पड़ेगा. जो किया, अब डेली एक चैप्टर हो रहा है, धीरे धीरे डेटा ना यहाँ भरता जाएगा. तो वो डेटा अगर तुम्हें भरा रखना है ना, तो उसके लिए आधे घंटे उसकी सॉर्टिंग करना जरूरी है कि ये मैंने लर्न कर लिया है, रिकॉल कर लिया है. तुम्हें अब सब मीनिंग पता है, बट डोंट यू थिंक यू नीड कीवर्ड्स टू राइट दैट? अब वही तो कमी है ना, तुम्हें मीनिंग सब पता है. ओनली मीनिंग विल नॉट बी सफिशियंट टू गेट मार्क्स इन ऑडिट.
नाउ कीवर्ड्स आर नीडेड, और हमने तो लर्न भी कीवर्ड से ही करा है. सो यू हैव टू टेक द ओथ ऑफ अटेम्प्ट नाउ कि कल से सुबह उठते से पहले आधे घंटे ऑडिट का रिवीजन होगा. सब लोग अनम्यूट करो और बोलो. अनम्यूट करो, इस बार ना दिल से करना ये ओथ. हम अटेम्प्ट की कसम खाते हैं, नवंबर 23 अटेम्प्ट की कसम खाते हैं. बोलो, हम नवंबर ट्वेंटी नवंबर 23 थ्री अटेम्प्ट की कसम खाते हैं कसम खाते हैं। कि अगर घर से बाहर हो उसको छोड़ के, कि तुम्हारा घर से बाहर हो डेली आधे घंटे रिकॉल सेशन लगाएंगे ऑडिट का. वो भी मॉर्निंग में ही. मॉर्निंग में ही। अब इधर पड़ोस में कौन है जिनने सुना ये बात? जन्नू बोलो कौन है? जन्नू भैया भैया पास में है, तो उनने पूरी बात सुन ली कि तुमने कसम खा ली है. अब मैंने तो कुछ नहीं किया भैया, मैंने इनडायरेक्टली तुम्हारी बात वहां तक पहुंचा दी कि बच्चों ने कसम खा ली है. अब कसम खा ली है तो निभानी तो तुमको ही पड़ेगी, नहीं तो तुम जानो और गन्नू भैया जानो. मैं तो सिर्फ मीडिएटर थी, उन तक बात पहुंचाई तुम्हारी. ठीक है, बेनिफिट मिल जाएगा. आधे घंटे रिकॉल कर लो. ऑडिट में तुम्हें एक दिन लगेगा सब कुछ रिवाइज करने में. मैं बेट कर रही हूँ जो याद कर रहे हो उसको यहाँ रिटेन करने की ठान लो. बस ऑडिट एक चैप्टर ऐसा हो जाएगा, एक सब्जेक्ट ऐसा हो जाएगा. 1 आवर इज सफिशियंट डेली, दैट इज इट. और मैं तो आधे घंटे की बात कर रही हूँ अभी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नाउ विद द मैनेजमेंट ऑडिट. अब मैम, ये मैनेजमेंट ऑडिट किस चिड़िया का नाम है? सबसे पहली चीज, ये भी बहुत कैजुअल चैप्टर है, इसमें कीवर्ड से ज्यादा मीनिंग लिखने की जरूरत होगी. इसमें तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, बहुत 3 पेज का तो चैप्टर है. 3 पेज में सारी की सारी चीजें इसकी कवर हो जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑडिट? मैंने पता है क्या किया, मैंने एक कंपनी बनाई. मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी बनाई. ठीक है, तो बना लेते हैं ढंग से कंपनी. ये रही हमारी कंपनी. कंपनी बनाई बस, नहीं क्या, किस चीज की कंपनी बनाई मैम, वो भी तो जरूरी है. तो लेट से हमने किस चीज की कंपनी बनाई, हम भी क्या करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पे आते हैं. हमने भी इनकॉर्पोरेट की टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी. ऑडिबल प्रॉपरली? मैंने क्या किया, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दिया. उससे क्या होगा मैम, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया तो कुछ तो ऑब्जेक्टिव रखा होगा ना आपने. कोई तो ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो. सबने जब भी मेट देखी है क्या? कोई है ऐसा जिसने जब भी मेट नहीं देखी हो? जब भी मेट मूवी कोई किसी ने नहीं देखी? देखिए देखी है मैं, देखी किसने नहीं है। देखी वो बोलो मुझे, किसने नहीं देखी? ऐसा कोई भी नहीं है जिसने जब भी मेट मूवी नहीं देखी. अच्छा, ऑपरेशनल ऑडिट का कभी ढंग से लेक्चर देखा है? हो रही है, जब भी मेट तो देख ली तुमने, क्या बात है. कभी ऐसे पूरे ढंग से कर लिए तुमने? इसमें तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम कैसी बातें कर रहे. तो जब भी मेट में तुम्हें याद है गीत? ये तो याद है गीत. अच्छा, तुम्हारे को आंसर याद नहीं आ रहा कल का, और पता नहीं कब की देखी हुई गीत याद आ रही है तुमको. तो जब भी मेट में याद है उसने कार्ड रिलीज किया था गीत नाम से, जिनको बहुत बोलने की आदत हो उनके लिए था ना वो ऑब्जेक्टिव, याद है उसका? यस इन लोग को, अरे वाह, मुझे बताना जरा पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है. ओहो मैं कंप्लायंस कंप्लायंस विद टीपी कंप्लेंट विद टीपी. पता है क्या, जिस चीज में मजा आता है ना आज तक वो भूले नहीं हूं. इसका मतलब यह है कि ऑडिट में मजा नहीं आता, ये एक सजा है, क्योंकि हम सीए फाइनल देना चाहते हैं. अब तुम याद रखो वो गीत को, उसी से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वो मूवी के हिसाब से पूरा क्या समझने की कोशिश करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट के. ये भी याद होगा कि शाहिद कपूर भाग जाता है शुरू में अपनी कंपनी छोड़ के, ये तो याद होगा. स्टोरी तो तुम्हें पूरी पता है, मुझे पता था ना, ये तो सब याद ही होगा. बस उसी को देख के चलो. तो हमने भी कौन सी कंपनी ओपन की, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. हम इस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव है? हाँ है,
हमने गीत नाम से कार्ड रिलीज किया है, ठीक है। अब हुआ क्या था मूवी में, पहले कंपनी अच्छी नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। हमारे शाहिद कपूर तो भाग गए थे, इसलिए तो वहां पे हम अगर जाएंगे तो हम सोचेंगे कुछ तो कंपनी में गड़बड़ है, शायद मैनेजमेंट भाग गया, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा। ऑपरेशंस क्यों, लॉसेस क्यों है, क्योंकि शायद ऑपरेशन अच्छे से नहीं हो रहे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे मैम, मैनेजमेंट में है क्या? हाँ, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, और मैनेजमेंट की प्रॉब्लम कहाँ झलकेगी मैम? ऑब्वियसली ऑपरेशन में तो दिखेगी ना, जब मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो लोग अच्छे से काम कैसे करेंगे? तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना शाहिद कपूर की कंपनी में भी करवा ले मैनेजमेंट एक बार ऑडिट। कौन सा ऑडिट करवाए? मैनेजमेंट ऑडिट। कुछ लोग, कुछ शेयर होल्डर चीख चिल्ला के बोलने लगे, नहीं, ऑपरेशनल ऑडिट करवाओ। हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट ऑडिट करना है। वो क्या बोल रहे हैं? ऑपरेशनल ऑडिट करना है। फिर एक जनरल मीटिंग में बैठ गए हम लोग। अब हम बैठ के क्या डिस्कस कर रहे हैं, तुम क्यों बोल रहे हो ऑपरेशनल ऑडिट, हम क्यों बोल रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट। मतलब एक बार डिफरेंस समझ ले, कि हम उनको समझा रहे, सुनो भाई हम क्यों मैनेजमेंट ऑडिट बोल रहे हैं, क्यों ऑपरेशनल ऑडिट नहीं बोल रहे। मतलब मैं पहला क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। तो समझो, शाहिद कपूर बैठा है यहाँ पे, हम कौन हो गए? मैनेजमेंट ऑडिटर, ठीक है। शाहिद बोल रहा है मुझे मैनेजमेंट ऑडिट करवाना है। शेयर होल्डर चीख चिल्ला के, उसकी मम्मी जिससे वो नाराज था, वो क्या बोल रही है? नहीं, ऑपरेशनल ऑडिट करवाना है। तो हम समझा रहे, रुको हम बताते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर वन समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होगा, हम बोल रहे हैं देखिए मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑडिट। तो हम उनको समझा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट में हम क्वालिटी चेक करेंगे कि आप कैसे अपनी कंपनी को मैनेज करते हो, और ऑपरेशनल ऑडिट में ये चेक किया जाता है कि काम कैसे होता है। भाई काम तो तब अच्छा होगा जब मैनेजमेंट अच्छा होगा, अगर काम ही, मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो काम कैसे अच्छा होगा। तो उनको पहले समझाया, बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट के कंपैरिजन में मैनेजमेंट ऑडिट क्या है, एक वाइड टर्म है। उन्हें ये दो बातें तो पहले समझाई, किनको? शाहिद की मम्मी को, कि मैम क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट चेक करेंगे यहाँ पे, और ये एक वाइड टर्म है। मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसके बाद हम ऑपरेशन की जानकारी देख सकते हैं, अगर मैनेजमेंट में ही क्या है, कमी है, तो आपका ऑपरेशन कभी अच्छा नहीं होगा। क्या ये दो पॉइंट समझ में? फिर उसको बोला, यहाँ पे मैम हम मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं, खुद मैनेजमेंट को चेक कर रहे कि उसने अच्छे से काम किया नहीं किया, हम मैनेजमेंट के लिए काम नहीं कर रहे यहाँ पे। छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे मैनेजमेंट का ऑडिट होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए ऑडिट होता है। तो वो बोल रहा है कंपनी अच्छी चलानी है, पहले ये तो देखने दो मैनेजमेंट कैसा है। तो ये मैनेजमेंट का ऑडिट है, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट के लिए होता है। यहाँ पे हम फोकस करेंगे, आप डिसीजन कैसे लेते हो, आपके डिसीजन अच्छे होंगे तो ही तो ऑपरेशन अच्छा होगा। जैसे जैसे समझो कि आपको पता चला था क्या कि हम फ्री, जैसे जियो ने क्या किया, अनलिमिटेड क्या दे दिया डेटा। उससे पहले कभी अनलिमिटेड डेटा फ्री मिलता नहीं था कहीं, और हर किसी के फोन में इंटरनेट भी नहीं होता था। जियो के पहले की बात करें ना, तो हर कोई डेटा पैक डलवा के रखता नहीं था। जियो आने के बाद क्या है, आज हर एक एक बंदे के फोन में क्या है, अनलिमिटेड डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो डिसीजन बहुत स्ट्रांग था, वो स्ट्रांग डिसीजन था, बहुत इम्पैक्ट किया। बट सपोज करो आकाश अंबानी ने ऐसा डिसीजन ले तो लिया, उसे वो ढंग से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता, तो डिसीजन लेना है कि हमको फ्री वाईफाई करना है, उसके बाद क्या टावर अच्छे नहीं चाहिए फ्री वाईफाई के लिए, क्योंकि डिसीजन ये फ्री वाईफाई से पहले, पता है हो सकता है सिर्फ 100 लाख, सिर्फ एक फिगर ले रही हो, 100 लाख इंडियंस यूज करते होंगे वाईफाई। जैसे ही फ्री दोगे ना, फ्री का माल तो सबको अच्छा लगता है, सारे के सारे यूज करेंगे, तो डोंट यू थिंक कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए था? तो तुम्हारे डिसीजन डिसाइड कराएंगे कि ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस कैसी है। तो इसीलिए वाइड क्या हुआ,
मैनेजमेंट, तो यहाँ पे जब मीटिंग हुई तो चार समझा दी बात उनको। क्या बात समझाई हमने चार? देखो यहाँ ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट होता है, यहाँ डिसीजन की क्वालिटी पे फोकस करते हैं, दो चीज। ये एक वाइडर टर्म है और यहाँ हम मैनेजमेंट को चेक कर रहे हैं कि मैनेज करने की क्वालिटी कैसी है। तो अगर मैं तुम्हें रटने का ना बोलूं तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? खुद आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम मैनेजमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं कि उनका मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, ये एक वाइडर टर्म है, और उनका डिसीजन मेकिंग का पावर कैसा है, दैट इज व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख लिए, मैंने कीवर्ड्स लिख लिए, तो यूज दिस कीवर्ड्स टू राइट द आंसर। बस ये कीवर्ड यूज करना है अपने को आंसर राइटिंग के लिए, नथिंग एल्स। डिड यू गॉट इट कि व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट? तो मैनेजमेंट ऑडिट इज व्हाट? मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट इज चेकिंग और एग्जामिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ डिसीजन। इट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू ऑपरेशनल ऑडिट। इट इज एन ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट रेदर देन ऑडिट फॉर मैनेजमेंट। मैंने कुछ नहीं किया, अपनी लैंग्वेज में ये चार जो चीजें लिखी हुई है ना, इन चार चीजों को बस इनकॉर्पोरेट करके छोड़ दिया, हो गया मेरा मैनेजमेंट ऑडिट। 1 मिनट आई एम गिविंग यू टू राइट इट, स्टार्ट। 1 मिनट टाइम स्टार्ट, लिखो अपनी मर्जी से। पेन कॉपी लेके बैठो, 1 मिनट मतलब 1 मिनट। अश्मिता का वीडियो ऑन चाहिए। ट्वेंटी सेकेंड लेफ्ट, 5 बज जाएगी, जल्दी करो। मैनेजमेंट ऑडिट कंफर्टेबल इन राइटिंग? चलो अब मैनेजमेंट ऑडिट करने जाओगे तो बस हम क्या करेंगे, शाहिद कपूर की कंपनी में पहुंचे और चालू हो जाए मैनेजमेंट ऑडिट करना? पहले कंपनी को समझना पड़ेगा, कंपनी क्या काम करती है उसको समझना पड़ेगा, काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा, और लोगों को भी तो समझना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अबाउट मैनेजमेंट। हो सकता है मैनेजर मैनेजमेंट अच्छा हो लेकिन लोग खराब हो, या फिर लोगों को मैनेज करने की जो पॉलिसी है, हो सकता है वो पॉलिसी खराब हो। मैनेजमेंट ऑडिट इज अ वेरी वाइड टर्म। मैनेज करने में आपको लोगों को मैनेज करने की स्ट्रेटेजी भी लानी पड़ती है, हो सकता है वो स्ट्रेटेजी खराब हो। तो अब जब मैं मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट करूंगी तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू आई विल टेक इन माई माइंड? मुझे मेरे दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी पड़ेगी, तो क्या रखूं मैं? हम सब मैनेजमेंट ऑडिटर हैं, सबसे पहले जाके कंपनी क्यों क्रिएट की उस क्यों पे सवाल आएगा, व्हाई द कंपनी इज बीन क्रिएटेड। ऑडिट करने बैठना है मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव तो जान लो कि वो कंपनी क्रिएट क्यों हुई थी, उस बेसिस पे ही तो देखोगे मैनेजमेंट ऑडिट को। तो पहले क्या करोगे, लास्ट क्वेश्चन है ये बिल्कुल, व्हाई द कंपनी हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब मैम कंपनी क्रिएट करने से बात बन जाएगी क्या? नहीं, कंपनी क्रिएट करने के बाद कौन से नेचर का प्रोडक्शन करती है वो कंपनी? कंपनी क्रिएट की क्या प्रोडक्शन होता है, किस चीज का प्रोडक्शन होता है? तो नेचर ऑफ प्रोडक्शन दूसरी चीज वो देखोगे। फिर मैम प्रोडक्शन में प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसी चल रही है, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे होता है, मतलब क्या फ्लो समझो। कंपनी बनी किसी काम के लिए बनी, वो काम क्या है, वो काम के लिए प्लानिंग क्या है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह यूज होता है उसका मैनेजमेंट कैसा होता है,
फिर सेल करोगे बना के चीजों को, राइट? चीजें बनाओगे तो चीजें बना के क्या करोगे, सेल करोगे, तो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग क्या है तुम्हारी? फिर इन सब के लिए कौन लगेंगे तुमको, लोग, पर्सनल, तो पर्सनल का मैनेजमेंट कैसा है तुम्हारा? और फिर ये सबसे मेन चीज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसा होता है? पहले फ्लो समझ में आया? पीडीएफ में बाद में ढूंढना सब, बिल्कुल बाद में, पहले फ्लो समझो कि मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट करने के लिए मेरे दिमाग में क्या आएगा, कंपनी क्यों बनी, कंपनी किस काम के लिए बनी, वो काम को करने की प्लानिंग क्या है, उस काम में लगने वाली चीजें, रॉ मटेरियल वगैरह, उसके मैनेजमेंट की क्या प्लानिंग है? फिर बन गया तो सेल करोगे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग क्या है, उसके लिए भी लगेंगे लोग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, तो उन पर्सनल्स की प्लानिंग क्या है, और सबसे मेन प्लानिंग फाइनेंस मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या है? समझ में आया? अब ये क्या है तुम्हारा एक और आंसर, कि अगर मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट ऑडिट स्टार्ट करना है, तो व्हाट आर द एसेंशियल थिंग आई विल कीप इन माई माइंड? तो देखो सबसे पहले क्या पर्पस था भाई कंपनी बनाने का, नेचर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, और उस प्रोडक्शन की प्लानिंग क्या थी, तुम्हारे मटेरियल का मैनेजमेंट जिसमें इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होते हैं कि उनको कैसे मैनेज करते थे, फिर फैक्ट्री का लेआउट डिजाइन, कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, सेल्स मैनेजमेंट कैसा है, सेल्स प्लान कैसा है, पर्सनल की पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फ्लो क्या दिया मैंने इसके लिए, सिर्फ एक, पूरी कंपनी का ए टू जेड सारे पॉइंट लिख लिए, कंपनी के ए टू जेड बनने से लेके काम करने तक के, बेचने तक के सारे पॉइंट लिख दिए और प्लानिंग वर्ड लगा दिया। आगे लिखो, अभी 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आंसर लिखो यार। ये नाम क्या है, हॉनर NTNL22, क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद, आर यू मोहम्मद? यस मोहम्मद रिंशा सो एटलीस्ट वेन यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ क्लास चेंज दिस नेम, ठीक है? ओके गेटिंग फ्लो, यस लिखो, गेटिंग स्टार्ट, 2 मिनट्स टाइम टाइम स्टार्टेड, लिखो जल्दी से। डन। दो चीजें क्या लिखी अभी तक, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट एंड पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन यू स्टार्ट मैनेजमेंट ऑडिट, ये हो गए 2 क्वेश्चन। अब तुम्हें क्या लगता है, सब लोग मैनेजमेंट ऑडिट करने देंगे वहां पे? हम तो पहुंच गए ऑडिट करने, ऑलरेडी कंपनी की हालत खराब, शाहिद कपूर की कंपनी क्या थी,
हालत खराब थी, लोग उसके ही अगेंस्ट में थे, तो तुम्हें लगता है कोई भी एक नया बंदा आएगा उसका फेवर करेंगे, वो उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं करने वाले। तो मतलब मैम वो क्या क्या चीजें आएंगी, वो क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होंगे जो मैनेजमेंट ऑडिट के आड़े आएंगे? सबसे पहली चीज क्या होगी मैम, जब कोई बाहर का बंदा आके अच्छे से चेकिंग करेगा तो गलतियां निकालेगा, तो टॉप मैनेजमेंट को पता चलेगा कि हमारी गलतियां हैं। हो सकता है ये नहीं हो, तो ये हो कि जो पुराने लोग हैं वो बोलेंगे आज हमको आके तुम चेक करोगे, कोई नया बंदा ला रहे हो कि ये देखने के लिए हम कैसा काम कर रहे थे जो सालों से इस कंपनी में। रेजिस्टेंस टू चेंज भी होगा। तुम ही सोचो ना, तुम किसी कंपनी में 10-20 साल से हो और आज कोई नया बंदा आके तुम्हारी गलतियां निकाल रहा है उस कंपनी के लिए, तो नहीं एक्सेप्टेंस आएगा। तो अब वो क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होंगे जो रोकेंगे कि नहीं हम क्या नहीं कर सकते, इस मैनेजमेंट ऑडिट को होने नहीं दे सकते। क्या और हो सकता है मैम? देखो मैनेजमेंट ऑडिटर क्या है, स्पेशलिस्ट। ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऑडिटर क्या है, स्पेशलिस्ट। उसका माइंडसेट क्या होगा, एक खराब कंपनी है, उसका माइंडसेट क्या होगा, वो जो अप्रोच बता रहा है वही सही है, उसी से कंपनी सुधर सकती है। लेकिन जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट ऑडिटर को कैसे देखेंगे, दूसरे एम्प्लॉय जैसा, कि ये भी एक हमारी तरह का दूसरा एम्प्लॉय है, इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं हमको बोलने की, कोई तीसरा बंदा के हमको कैसे बोल सकता है, वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैनेजमेंट ऑडिटर स्पेशलिस्ट है, वो सोचेगा मेरा सॉल्यूशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वही दूसरे लोग उसको एम्प्लॉय की तरह देख रहे होंगे कि नहीं ये तो एम्प्लॉय है, इसकी क्या अथॉरिटी कि ये हमको कुछ बताए, वो प्रॉब्लम आएगी आएगी। दूसरा रेजिस्टेंस टू चेंज आएगा, लोग चेंज नहीं होना चाहते क्योंकि पुराने टाइम से वो एक जैसे काम कर रहे हैं। तीसरा डर होगा कि हमारी ऐसा नहीं हो कि सामने वाला आके गलतियां ही निकालते रहे हमारी और मैनेजमेंट के सामने, टॉप मैनेजमेंट के सामने हमें गलत साबित करने लग जाए, इतने साल की जो रेप्यू और इमेज बनाई है हमारी वो इमेज लेके चले जाए। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर क्या होगा, एक ये प्रॉब्लम तो हर जगह आएगी ना कि कोई तीसरा आके कैसे चीजें बता रहा है। तो ये सारे क्या है, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स। अब इसको हम पूरा कवर कर लेते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग विद द फ्लो ऑफ बुक, जो एक्चुअल होता है अपन उसके फ्लो में जा रहे हैं। पहले तो समझा मैनेजमेंट ऑडिट क्या, तुम स्टार्ट करोगे इससे पहले तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुम स्टार्ट करो उससे पहले ही प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई क्या, लोगों के बिहेवियर। सबसे पहले क्या है बिहेवियरल एस्पेक्ट में मैम, चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे, दे विल नॉट वेलकम द चेंजेस इजीली। तुम कुछ प्रपोज करोगे उससे पहले उसमें क्या निकाली जाएगी, जानबूझ के गलतियां, दे विल हैव रेजिस्टेंट टू प्रपोजल। फिर ऐसे कैसे फिर इसको मैम सॉल्व करें? अब ये सिचुएशन सॉल्व तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो है नहीं तुम बोलोगे जाओ मैं तो जा रहा हूँ मैनेजमेंट ऑडिट छोड़ के, चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसको कैसे रिड्यूस करोगे? तुम क्या करो, ये सारे लोगों को अपने काम में इन्वॉल्व करो, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो कि आओ तुम भी बताओ कि कंपनी को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मतलब पता है क्या, सुनो तो सबकी, करना अपनी समझ की, बट जब तुम सबकी सुनते हो ना तो सामने वाले को एक इम्पोर्टेंस फील होती है कि मुझसे भी पूछा है। तो वही बोल रहा है, टॉप से डाउन अप्रोच फॉलो करो। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे जितने लोग हैं ना सबको धीरे धीरे इन्वॉल्व करो और उनसे भी पूछो, बताओ ना क्या कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उन्हें लगेगा कि हमसे भी पूछा जा रहा है, हम सब मिलके काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया मैम, एक तो रेजिस्टेंट टू चेंज आएगा, रेजिस्टेंट टू न्यू प्रपोजल आएगा, उसको आप करो टॉप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करो और सारे लोगों को इन्वॉल्व करो अपने काम में, इन्हें बताओ कि मैनेजमेंट ऑडिटर उनको उनके गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, उनको पिन पॉइंट करने नहीं आया है, गोल अचीव करवाने आया है। तो पहले तो ये हो गया बिहेवियरल एस्पेक्ट का मतलब, समझ में आया, दिस इज द एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट। अब मैम क्यों होता है ऐसा, व्हाट आर द कॉजेस, ये क्यों है, जो अभी अपन ने समझा ना, अदर पर्सनल इसको एम्प्लॉय की तरह देखते हैं, उनको लगता है इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं हमको बोलने की, और वही मैनेजमेंट ऑडिटर अपना आपको स्पेशलिस्ट समझता है जो है एक्चुअल में, और उसको लगता है कि उसी का जो सॉल्यूशन है वही बेस्ट सॉल्यूशन। तो एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है मैम, लोग चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज रेजिस्टेंट टू चेंज, उनको चेंजेस पसंद नहीं आएंगे। अब ये वाला मैम आपने क्यों छोड़ा, क्योंकि इसके अंदर ये जो पार्ट चल रहा है ये अलग से इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, जरूरी नहीं है दे विल आस्क
कि नेचर एंड कॉज ऑफ बिहेवियरल एस्पेक्ट, ये वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसमें एंटागोनिज्म क्या होता है और एंटागोनिज्म के कॉजेस क्या होते हैं, अभी समझेंगे व्हाट इज द टर्म एंटागोनिज्म। बट इतना समझ में आया कि व्हाट इज बिहेवियरल एस्पेक्ट, बिहेवियरल एस्पेक्ट मतलब चेंजेस एक्सेप्ट होंगे नहीं, तुम्हारे प्रपोजल पे रेजिस्टेंस आएगा। उसको कैसे सॉल्व करें, टॉप डाउन अप्रोच से। टॉप डाउन अप्रोच लगाओ जिसमें इन लोगों को इन्वॉल्व करो टॉप से डाउन तक, उनसे सजेशन लो, उनको फ्रेंडली बिहेवियर शो करो और उनको समझाओ कि वी विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। ये हो गया तुम्हारा बिहेवियरल एस्पेक्ट की स्टार्टिंग। मैम व्हाट इज द नेचर एंड कॉज, पहले दो तो हमने पढ़ लिए, क्या रेजिस्टेंस टू चेंज एक है और एक क्या है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलता है मैं स्पेशलिस्ट हूँ, मेरा ही सॉल्यूशन वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। सामने वाला इसको एम्प्लॉय की तरह लेता है तो उनको लगता नहीं इसके पास की कोई अथॉरिटी है, तो दे थिंक ही इज हैविंग लैक ऑफ ऑडिटिंग अथॉरिटी, कोई ऑडिट करने की उसकी अथॉरिटी कहाँ से आएगी कि वो चेक करेगा। अब आते हैं कंट्रोल के ऊपर, अब किसके ऊपर आते हैं, वो तीसरा जो हमने छोड़ के रखा है, कंट्रोल का क्या है इसमें रोल नेचर एंड कॉज में। बोलता है मैनेजमेंट ऑडिटर, उनको ऐसा लगता है कि इनको यहाँ के पर्सोनल्स को कि मैम मैनेजमेंट ऑडिट करने में कहीं ना कहीं कुछ ऑपरेशंस को भी चेक तो करेगा, वो मैनेज कैसे हो रहा है, वो मैनेजमेंट देखने के लिए ऑपरेशन के भी तो चेकिंग होगी ना, थोड़ी बहुत, पूरी नहीं थोड़ी बहुत। इसको कैसे समझो, इंटरनल ऑडिट में तो पूरे इंटरनल कंट्रोल ही देखते हैं ना, बट फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल तो देखे जाते हैं ना, तो यहाँ भी वही होगा। ऑपरेशन ऑडिट में पूरे ऑपरेशन ही देखते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ऑडिट्स में उससे रिलेटेड ऑपरेशन भी तो देखेगा ना थोड़े बहुत। समझ पाए बात, एक ही है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल देखते हो, और इंटरनल ऑडिट करते हो तो पूरे इंटरनल कंट्रोल्स ही देखते हो। यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन ऑडिट करोगे तो पूरे ऑपरेशन ही चेक करोगे, बट मैनेजमेंट इज अ वाइडर टर्म तो उससे रिलेटेड थोड़े ऑपरेशंस तो देखोगे ना, तो अब लोगों को क्या लग रहा है, ये तो ऑपरेशंस चेक करेगा, ऑपरेशन चेक करेगा तो सिर्फ गलतियां निकालेगा, और गलतियां निकाल के किसको बोलेगा, टॉप मैनेजमेंट को। दिस टर्म इज नोन एज ब्रीडिंग एनाटोमिज्म, इसी को क्या बोलते हैं, एंटागोनिज्म, ये जो टर्म है दैट इज ब्रीडिंग एंटागोनिज्म, इसी को बोलते हैं कि तुम हमारी क्या करोगे, हमको बेइज्जत करोगे, नीचे दिखाओगे, गलतियां दिखाओगे, डेफिशिएंसी दिखाओगे हमारे ऑपरेशंस को चेक कर करके। ठीक है, अब मैम इसके तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या डर है, ये एंटागोनिज्म के कॉजेस क्या है, एंटागोनिज्म का कॉजेस क्या है। सबसे पहले तुम हमें, हमें डर है अंदर से, गलतियां, डर किस चीज का, पहले कि ऑपरेशन चेक होगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ हमारी गलतियां ही निकाल के टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा, तो सबसे पहले डर हो गया ना, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म कि सामने वाला मुझे क्रिटिसाइज करेगा। फिर क्या है, उसको गलतियां दिखेंगी तो चेंजेस भी कराएगा, फियर कि कल को चेंजेस नहीं कर दे। अब ये फियर पता है कैसा हो सकता है, जब शाहिद कपूर की कंपनी में गए देखा तो देखा कि सपोज करो अकाउंटिंग मैन्युअली चल रही है, वो मुनीम जी बैठ के रेड कलर की बुक लेके वहां बैठ के अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब मुनीम जी को क्या डर लगेगा, ये मुझे क्रिटिसाइज करेगा कि मुझे ये वाली अकाउंटिंग नहीं आती, ये क्या कराएगा, चेंजेस कराएगा, तो अंदर का डर तो आएगा ना, बिहेवियरल चेंजेस, यही तो है कि मत करो मैनेजमेंट ऑडिट। दो चीजें क्या हुई, कॉज ऑफ एंटागोनिज्म, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, दूसरा फियर ऑफ चेंजेस। अंदर से डर है कि तुम सोचो जिसको आता ही नहीं है अकाउंटिंग ये वाली करना, अगर चेंजेस हुए तो उनकी तो जॉब ही गई, ये बड़ा बड़ी चीज है। और क्या हो सकता है मैम, प्यूनिटिव एक्शन, प्यूनिटिव एक्शन का मतलब क्या है, सुपीरियर को जैसे ही पता चलेगा इतनी गलतियां चल रही है वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा ना, वो थोड़ी ना देखेगा दुनियादारी या फिर इमोशंस, नहीं देखेगा, उसको लग रहा है कि गलतियां चल रही है, उसने लेना है सुपीरियर ने स्ट्रॉन्ग एक्शन, तो तुम्हें डर लगेगा ना कहीं मेरे अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं हो जाए, कोई पैनल एक्शन या कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं हो जाए जो मुझ पे भारी पड़ जाए। दैट इज प्यूनिटिव एक्शन भी एक रीजन है एंटागोनिज्म का। और क्या हो सकता है मैम, इनसेंसिटिव ऑडिट प्रोसीजर, इनसेंसिटिव ऑडिट प्रोसीजर मतलब अच्छा ही नहीं देख रहे, सिर्फ गलतियां, सिर्फ गलतियां कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, तुमने ध्यान नहीं दिया। फिर वो बोल रहा है मैंने ये चेंजेस भी तो किए ऑर्गेनाइजेशन में जो पहले नहीं थे, अरे वो हटाओ, तुमने ये क्यों नहीं किया, दैट इज अच्छा प्रोवोक कर नहीं रहे,
और सिर्फ गलतियां 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 ढूंढोगे तो वो भी तो एक रीजन है एंटागोनिज्म। तो चार रीजन है एंटागोनिज्म के। एक है फियर चेंजेस से, एक है फियर क्रिटिसिज्म का, एक एक्शन हो रहा है कौन सा, प्यूनिटिव एक्शन, और चौथा क्या है, इनसेंसिटिव ऑडिट प्रोसीजर। तुम सेंसिटिवली काम नहीं कर रहे, सामने वाले को सिर्फ नीचा दिखा रहे हो, तो इनसेंसिटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो पूरा क्या है ये, बिहेवियरल एस्पेक्ट के नेचर एंड कॉज क्या क्या थे। एक तो पहला, मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मानता है अपने आप को, एम्प्लॉई दूसरे वाले जैसे एम्प्लॉई जैसा मानता है, एक वो था, एक रेजिस्टेंट टू चेंज था, और एक ये हो गया हमारा कंट्रोल। कंट्रोल में क्या था कि वो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को चेक करेगा और टॉप मैनेजमेंट को गलतियां बताएगा, डेफिशिएंसी बताएगा, दैट इज ब्रीडिंग एंटागोनिज्म। अब मैम ब्रीडिंग एंटागोनिज्म के कॉजेस क्या है, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, देन प्यूनिटिव एक्शन और इनसेंसिटिव ऑडिट प्रोसीजर। मतलब ये एक चीज में दो आंसर है, एक तो एंटागोनिज्म के कॉज और एक बिहेवियरल एस्पेक्ट के नेचर एंड कॉज। तो ये दो आंसर्स हैं एक्चुअली। अंडरस्टूड? तो अभी तक क्या क्या पढ़ा मैम, मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है वो पढ़ा, फिर वो क्या पॉइंट्स है जो आप कंसिडर करोगे फॉर द मैनेजमेंट ऑडिट, कि कंपनी क्यों बनी, प्लान क्या नेचर है प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन की प्लानिंग क्या है, रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट क्या है, फिर कैपेसिटी क्या है प्रोडक्शन की, फिर उसके बाद मैम सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की प्लानिंग क्या है, पर्सनल मैनेजमेंट की प्लानिंग क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स कैसे है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फिर इसके बाद मैम अभी क्या किया, बिहेवियर, बिहेवियर में क्या है कि उनको चेंजेस पसंद नहीं आएंगे, रेजिस्टेंट टू प्रपोजल रहेगा, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करो, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करके क्या कर पाएंगे मैम, उनको इन्वॉल्व करेंगे, फिर इसके नेचर एंड कॉजेस क्या है, यही फिर से रेजिस्टेंस कंट्रोल और साथ में वो मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट मानता है, ये एम्प्लॉय मानता है, फिर इसमें आता है एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म के भी नेचर एंड कॉजेस हैं, तो कॉजेस क्या पड़े, फियर टू क्रिटिसिज्म, फियर टू चेंजेस, प्यूनिटिव एक्शन एंड इनसेंसिटिव ऑडिट प्रोसीजर। बोल लो एक फ्लो, एक बार तुम शुरू से लेके जाओ, म्यूट पे बोलो कि मैनेजमेंट ऑडिट से क्या क्या क्वेश्चन किए यहाँ तक आओ, फिर नेक्स्ट पे आते हो, लास्ट एक ही आंसर बचे। रिकॉल करो,
डन। इसका मतलब जब एग्जाम से पहले या जब भी जीवन में, तुमने वैसे तो आज कसम उठा ही ली है कि हम पढ़ के ही रहेंगे सुबह सुबह आधे घंटे ऑडिट, तो जब भी आप मैनेजमेंट ऑडिट करो तो कौन सी मूवी याद रखोगे? हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? जब भी मिट। अब तो तुमको समझ में आएगा कि वहां क्या हुआ था, क्या होता है मैनेजमेंट ऑडिट, क्या क्या चीजें हमने दिमाग में रखी थी। तो एक फ्लो देने के लिए वो मूवी का रेफरेंस था कि तुम भूलोगे नहीं मीनिंग, मैनेजमेंट ऑडिट क्या है क्या नहीं है। वैसा क्वालिटी रिव्यू जब किया था तो एक्चुअल में क्वालिटी रिव्यू का पूरा फ्लो देखा था, रिपोर्टिंग से उल्टा चले थे अपन, ठीक है। और पीयर रिव्यू का तो मीनिंग सबको पता है, वो तो भूल के भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। और फॉरेंसिक भी कल हमने कर लिया, आज चार चैप्टर होने जा रहे हैं, ठीक है। करते जाओ, ऑडिट निपट जाएगा थोड़ा, मैं नहीं बोलती पूरा 100 होगा, 50% तो हो जाएगा इससे, ठीक है। अदर ऑडिट 50% हो जाएंगे। चलो अब क्या बचा मैम? चलो मैम अभी देखो बिहेवियरल चेंजेस भी हमने दूर कर दिए सारे, अब हम बैठ के प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के बाद रिपोर्ट दे देंगे। दो ही काम तो बचे, अब सब मान गए खुशी खुशी, ठीक है। अब प्लानिंग होगी, प्लानिंग के बाद रिपोर्टिंग होगी। अब मैम लेकिन थोड़ा सॉल्यूशन भी दे दो ना ये बिहेवियरल एस्पेक्ट का। एक क्वेश्चन और आएगा, पहले पूछा बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है, अब बोल रहे सॉल्यूशन क्या है बिहेवियरल एस्पेक्ट का। तो पता है जो तुमने अभी मेरे साथ पढ़ा ना, ले दे के ये गोल गोल रानी कितना कितना पानी चल रहा है, कैसे ले दे के वही वही बात बार बार बोल रहा है। अब मैम क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन नंबर वन, क्या करो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करो। अभी हम कितनी देर से बार बार बोल रहे हैं कि भाई पहला सॉल्यूशन तो यही है बिहेवियरल एस्पेक्ट का, कि क्या क्रिएट करो भाई, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखो। क्या करो मैम, जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है उसको इन्वॉल्व करो हर चीज में, रिपोर्ट मत दे दो डायरेक्ट, उसको भी इन्वॉल्व करो कि भाई ये फाइंडिंग्स आई है बता क्या करें, ठीक है। फिर इनको समझाओ क्या, प्रोवाइड मैक्स सर्विस ऑल मैनेजर डायमेंशन, क्या करो इनको बताओ हमारा ऑब्जेक्टिव है हर तरह से तुम्हें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करने आए, तुम्हारी गलतियां निकालने नहीं है। तुम खुद बताओ ये तीन बातें हम कितनी देर से पढ़ रहे बार बार, कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट करो, लोगों को इन्वॉल्व करो, उनको समझाओ कि हम तुमको हर एस्पेक्ट में सर्विस देने आए हैं, मैक्सिमम पॉसिबल सर्विस, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीन अच्छे अच्छे भारी वर्ड जरूर लिखे इन्होंने, लेकिन ले दे के इसका मीनिंग भी वही है। क्या है? पार्टिसिपेटिव अप्रोच, फिर से वही हो गया। जो भी इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स ऑफ दोगे, किस कुछ गलतियां हैं तो आप इम्प्रूवमेंट बताओगे, तो बोलता है ये इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स उस इंसान से डिस्कस करना जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। बात तो वही हुई ना, इन्वॉल्व करो, जो पर्सन इम्प्रूव करेगा उससे एक बार डिस्कशन करो, उनको भी पार्टिसिपेट करवाओ। तो एक बात बोलो, अगर गलती से तुम्हें कोई आंसर याद ना रहे और बिहेवियरल का सॉल्यूशन लिखना है, तो ले दे के फ्रेंडली एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेट कराओ, उनको समझाओ हम तुम्हें सर्विस देने आए हैं, इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो इम्प्रूवमेंट करवाने वाले को भी इन्वॉल्व कर लो, ताकि उसको लगे कि हाँ भैया मेरा भी पार्टिसिपेशन है। क्या यहाँ तक कुछ नया है क्या? कि वही बार 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 बार, बस लैंग्वेज चेंज, राइट। अब दो चीजें नहीं, ये मैम रिपोर्टिंग की मेथड पे ध्यान दो और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो। किसी को क्रिटिसाइज करना ही है तो मैं तुम्हें बोलूँ ना, तुम अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं मैम, ये तो नई बात है ही नहीं, घर वाले भी यही बोलते, तुम ढंग से पढ़ते ही नहीं इसलिए पास ही नहीं हो रहे हो, ठीक है। बट मैं वही बोलूँ, तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तुम्हें ध्यान है डायरेक्ट 25 नंबर का तुमने अब तक नहीं किया, तुम्हारे वहां से 25 नंबर चले जाएंगे। अंदर से पता है क्या लगेगा, 100 में से तो 25 यूं ही 75 पे आ गया। फिर मैंने बोला आईबीसी किया है? नहीं किया। तुम्हें पता है 12 नंबर का तो आईबीसी आता है, और थोड़ा सा धक धक चालू हुआ, 25 प्लस 12 37। फिर मैंने कहा पामला किया है, फिकरा किया? नहीं मैम, थोड़ा कच्चा पक्का हो गया अपना। तो मैंने कहा कि वो भी कितने नंबर का आता है? दोनों मिला के 15 नंबर का तो वही आता है। मैंने क्रिटिसाइज तो किया तुमको कि अच्छे से नहीं पढ़ रहे, पर अब मेरे क्रिटिसिज्म में क्या दिख रहा है तुमको? वैल्यू, कि अगर तुम यही अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे से क्या जा रहा है। इसी बहाने पेपर एनालिसिस ही तो बता रही हूँ वापस,
डायरेक्टर 25 नंबर का है, आईबीसी 12 नंबर का है, पामला और फिक्रा मिला के कम से कम 15 नंबर का है। तो कितने गवाए तुमने? अब अंदर से लग रहा हूँ बाप रे ये सारा छोड़ रहा हूँ मैं, ये हो रहा है वो, तो अलग ही घबराहट चालू हो गई। तो बोल रहे क्रिटिसाइज भी करो लेकिन किसके साथ? वैल्यू के साथ, ताकि सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आए। तुम्हें क्रिटिसाइज करने नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जब वजन दे के क्रिटिसाइज करोगे तो सामने वालों को उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि आईबीसी डायरेक्टर तीनों और तुम्हारा पामला और फिक्रा कितना इंपॉर्टेंट है लॉ में पास होने के। ठीक है, तो अब क्या याद रखोगे? क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे कौन सी स्टोरी याद रखोगे? ये जो मैंने अभी तुमको लॉ का एनालिसिस बताया कि कौन सा कितने का आता है, तुम ये ढंग से नहीं कर रहे तो नहीं नहीं करके 50 नंबर तो यूं ही गवा लो। ठीक है चलो, और जिन लोगों ने ये 50 नंबर का कर लिया तो कम से कम 35 तो आने चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पे क्या लिखा मैम? वही चीज लिखी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वैल्यू ऑफ कमेंट टू बीइंग टेंजिबल टर्म। हर चीज टेंजिबल टर्म में होगी ना तब जाके तुम्हारे सजेशन का वेट आएगा। यहाँ यार बात तो सही बोल रही, मैं यूं बोल दू तुम ढंग से नहीं पढ़ रहे तो वो बात नहीं आएगी, जब मैं बोलू ना ये सब नहीं पढ़ रहे तब लगेगा बात तो सही बोली। समझ में आया कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म? तो मैम रिपोर्टिंग के मेथड क्या? ले देखिए मेरे को समझ नहीं आ रहा, इनको एक ही चीज मिल रही है। क्या लिखा है? एडॉप्ट फ्रेंडली, फ्रेंडली टोन अपनाओ, बट फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं है, काम की बात भी आनी चाहिए उसके अंदर। फ्रेंडली टोन रखो, ऐसा नहीं कि अबे तूने ऐसा करा तो करा कैसे, दैट इज नॉट अ फ्रेंडली टोन। उसकी जगह बोलो व्हाट आई सजेस्ट मैम कि आप ऐसा कर लोगे क्या? मुझे वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे लिए वो कंफर्टेबल है तो शायद मेरे लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, तुमने तो रिपोर्ट ही दिया बट किसी को बेइज्जती फील हुई या फिर काम की चीज आ गई? तो दैट इज अडॉप्ट अ फ्रेंडली टोन, लेकिन उसका क्रक्स सही होना चाहिए, अपनी बात रखने का क्या होना चाहिए तरीका। तो बस वही बोला है, रिपोर्टिंग मेथड चेंज करो, फ्रेंडली टोन रखो लेकिन उसमें फॉर्म टोन भी होनी चाहिए, काम की बात भी आ जाए, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे। तो दैट इज वॉट योर रिपोर्टिंग मेथड। तो क्या बताए सॉल्यूशन बताए? ले दे के बार बार घूम फिर के फ्रेंडली रहो, लोगों को इन्वॉल्व करो, उन्हें बताओ हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए, तुम्हें मैक्सिमम सर्विस देने के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, मतलब तुम्हारे कमेंट में वैल्यू होनी चाहिए जिससे उसको सजेशन को वेट मिलेगा। रिपोर्टिंग मेथड फ्रेंडली होनी चाहिए बट फॉर्म टोन होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्या है? पार्टिसिपेटिव अप्रोच, जिस इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स जिसको दे रहे हो उस बंदे को भी इन्वॉल्व करो ताकि उसको पार्टिसिपेशन लगे, ऐसा ना लगे कि इम्प्रूवमेंट पॉइंट नहीं दे रहे उसकी गलतियां निकाले जा रहे हो बस। की दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन फॉर योर बिहेवियरल एसे। मैनेजमेंट ऑडिट बहुत स्मूथ चैप्टर है और इसमें क्योंकि तुम्हें ज्यादा रटना नहीं पड़ रहा सिवाय उन वर्डिंग्स के, तो आज मेरे को तुम लोग के चेहरों पे ना एनर्जी सी लग रही है कि कुछ भारी नहीं हुआ अब तक। ठीक है चलो, अब दो क्वेश्चन और बचे, एक रिपोर्टिंग और एक प्लानिंग। और ये भी कैसा है? वही जिंदगी जैसी चल रही थी नॉर्मल, अभी तक वैसा ही चल रहा। अब पहले प्लानिंग की जगह रिपोर्टिंग बता देती हूँ, इजी थोड़ा सा। मैम रिपोर्ट में क्या होगा? देखो रिपोर्ट देते वक्त फिर से सोचना पड़ेगा टाइप ऑफ रिपोर्ट कौन सी। ठीक है, अब यहाँ पे 4 तरह की रिपोर्ट इश्यू होती है। जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है तो मैनेजमेंट ऑडिटर 4 तरह की रिपोर्ट क्या करेगा? इशू करेगा। अब वो 4 तरह की रिपोर्ट कौन कौन सी है उस पर बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा इजी सा है, कुछ भी नहीं सा। मैम 4 तरह की रिपोर्ट कौन सी? ओरल, बोल के मैम ओरल क्यों देगा वो? तुम ही समझो ना, कोई बहुत इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो वो लिखने के लिए वेट नहीं करेगा, सीधे जाके मैनेजमेंट को बताएगा यहाँ पे आज रात को 12 बजे आपके अकाउंट को हैक करके आपके अकाउंट से 10 करोड़ निकालने की प्लानिंग चल रही है। अब वो क्या लिखने बैठेगा इसको पहले? मैं अच्छे से फ्रेम करता हूँ, लिख के उसको बताता हूँ, तब तक तो जो होना है उनके प्लान भी चेंज हो जाए। नहीं, तो यहाँ पे क्या है मैम, ओरल होगा जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी और जिसपे क्या चाहिए तुम्हें, इमीडिएट एक्शन चाहिए। तुम्हें क्या लग रहा है 10 करोड़ की चोरी में इमीडिएट एक्शन नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। इमरजेंसी वाली चीजों में आप दोगे ओरल रिपोर्ट जहां पे इमरजेंसी और इमीडिएट एक्शन नीडेड। फिर इसके बाद मैम आती है इंट्रीम रिपोर्ट। इंट्रीम मतलब बीच बीच में क्या प्रोग्रेस हो रही है काम की,
जितना डेवलपमेंट होता जा रहा है उस डेवलपमेंट की क्या देते जाओ, तुम इंटरिम रिपोर्ट देते जाओ, या फिर वो चीज कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें थोड़ा जल्दी हमें ध्यान दे देना चाहिए। इमीडिएट नहीं है पर हाँ ये एक मेजर प्रॉब्लम दिख रही है, थोड़ा जल्दी अगर इस पे ध्यान दे दे तो अच्छा होगा, तो भी इंटरिम रिपोर्ट में लिख दो। फिर आती है रेगुलर रिपोर्ट, तो रेगुलर रिपोर्ट मतलब एक पूरी फुल फ्लेज रिपोर्ट, ये वेरी करती है अलग अलग असाइनमेंट पे। सपोज करो टेलीकम्युनिकेशन के मैनेजमेंट का ऑडिट किया, उसकी रिपोर्ट का तरीका अलग होगा। किसी मॉल का आप मैनेजमेंट ऑडिट करने जा रहे हो, उसके रिपोर्ट का तरीका अलग होगा। तो यहाँ पे फॉर्म और कंटेक्स्ट डिपेंड करता है आपके ऑडिट के तरीके पे, डिफरेंट ऑडिट असाइनमेंट। और फिर आती है समरी रिपोर्ट जिसको फ्लैश रिपोर्ट बोलते हैं, अलग अलग फाइनल रिपोर्ट को एक साथ कंपाइल करके दे दिया टॉप मैनेजमेंट के लिए, बहुत काम की चीज है वो, 10 15 20 पेज की रिपोर्ट नहीं पड़ेगा। सारे अलग अलग रिपोर्ट को समराइज करके एक रिपोर्ट उसको दे दो, दैट इज फ्लैश कार्ड। सुना ना फ्लैश कार्ड, वैसे फ्लैश रिपोर्ट जिसमें एक ही में समराइज फॉर्म में सब कुछ लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट फॉर दी टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या होती है हेल्पफुल। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, वो कौन सी रिपोर्ट है जो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू ऑडिट असाइनमेंट्स, ऑडिट के असाइनमेंट के हिसाब से कौन सी रिपोर्ट वेरी करती है? रिटर्न रिपोर्ट रिटर्न नहीं, दैट इज रेगुलर। रिटर्न ठीक है, मुझे पता वो कौन सी रिपोर्ट है जो इमरजेंसी में देते हैं। ओरल ओरल रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है जो फ्लैश रिपोर्ट भी बोलते हैं? समरी रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, और बची हुई कौन सी रिपोर्ट है जो मैंने पूछी नहीं? इंटरिम, इंटरिम। इंटरिम। तो चारों रिपोर्ट एक बार रिकॉल कर लो, कौन सी कब देते हैं, जल्दी कर लो। हो गया रिकॉल, चलो और आंसर दो। वो मुझे याद ही नहीं आ रहा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किस क्वेश्चन में लिख रहे थे अपन। सॉल्यूशन ऑफ द बिहेवियर, सॉल्यूशन ऑफ बिहेवियर इसका मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का? समथिंग वैल्यू, वैल्यू टेंजिबल टर्म में कमेंट देना, समथिंग इससे क्या आएगा, वैल्यू, वेट आएगा तुम्हारी बात रेट का। ठीक आएगा। है, अप्रिसिएशन मुझे वो बताओ ना, वो एक टर्म थी ना बहुत ही अजीब टर्म, आज अपन ने पढ़ ली है, वो टर्म का है, नाम क्या है? एंटागोनिज्म, इसका एंटागोनिज्म, मतलब क्या है एंटागोनिज्म का? फियर फियर ऑफ चेंज, उसका मतलब पूछ रही हूँ पहले, वो तो कॉजेज है। फियर मैनेजमेंट ऑडिटर, ऑपरेशनल इफेक्ट, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, मतलब मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय, एंटागोनिज्म। वैशाली से ही बोल रही हूँ, बोलो। ऑपरेशनल तो फाइंड करता है, वो मैनेजमेंट को बताता है उसका, उसको जो रहता है उसका एंटागोनिज्म बोलते हैं। दीपा बोलो, दीपा आंसर बोलो, मीनिंग बोलो फिर से जल्दी। ऑपरेशन मींस एम्प्लॉय को डर है कि वो ऑपरेशन का मतलब एनालिसिस करके और वीकनेस और डेफिशिएंसी टॉप मैनेजमेंट को बताएगा। मतलब क्या होता है एंटागोनिज्म का कि तुम्हारे ऑपरेशंस का क्या होगा, एनालिसिस चेकिंग होगी, उसमें आएंगी डेफिशिएंसी, तुमको डर है ये डेफिशिएंसी कहाँ तक जाएगी, टॉप मैनेजमेंट तक बताई जाएगी, मीनिंग दैट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिज्म। अब इसके कॉजेस में दो कॉज वो एक जैसे वर्ड से आते थे, वो क्या था? फियर ऑफ द फियर ऑफ फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ चेंज, चेंजेस। फियर ऑफ और दो एक तो अलग यूनिटिव एक्शन, सेक्शन यूनिटिव था, कौन सा सेक्शन एक्शन, था? यूनिटिव बचा कुचा कौन सी थे, हम तो सेंसिटिव ही नहीं होते। इनसेंसिटिव ऑडिट इनसेंसिटिव प्रोसीजर, ऑडिट। अब रिपोर्टिंग से रिलेटेड और दो क्वेश्चन इजी हैं, बहुत इजी है। रिपोर्टिंग से रिलेटेड दो क्वेश्चन के, पहला क्या
रिपोर्टिंग में क्या क्या चीजें आती है, मतलब गाइडलाइन फॉर योर रिपोर्टिंग, कि रिपोर्ट देनी है तो क्या क्या चीजें उसके अंदर लिख के चलोगे, दैट इज गाइडलाइन। अब इसमें हम क्या करते हैं, गाइडलाइन में ध्यान से इधर सुनो, गाइडलाइन में कुछ मत करना टॉस करना। क्रिकेट से पहले क्या होता है टॉस, तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं टॉस। टॉस करके फाइंड करेंगे ना रिजल्ट क्या है, टॉस करके क्या करोगे, यू विल फाइंड के रिजल्ट क्या है, हम जीत गए, टॉस हम क्या हुआ जीत गए। फिर हम रिकमेंड करेंगे किसको, कैप्टन एक बार टीम से पूछेगा बैटिंग कर ले पहले, ही विल रिकमेंड। अब उनके व्यू जानेगा और एक समराइज बोल देगा हाँ बैटिंग। बस ये क्या है तुम्हारा गाइडलाइन फॉर रिपोर्टिंग। क्या किया गाइडलाइन में पहले, क्या किया टॉस, टॉस टॉस से फिर क्या करेंगे देखेंगे फाइंड रिजल्ट क्या है, फाइंडिंग। फाइंडिंग्स फाइंडिंग के बाद क्या करेंगे हम रिकमेंड करेंगे ऐसा कर ले, फिर उनका व्यू लेंगे, किन का व्यू, ऑडिटी का व्यू, यहाँ पे ऑडिटी है उनका व्यू लेंगे और फिर एक समरी दे देंगे। पहले तो ये वर्ड समझो ऐसा सोचो फिर डिटेल करते हैं। टॉस मतलब क्या है, टॉस का मतलब टाइटल, टी फॉर टाइटल, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, एस फॉर स्कोप। ये तो याद भी करना नहीं पड़ेगा क्योंकि जनरली भी हमें पता है कि हमारी रिपोर्ट में पहले टाइटल तो लिखेंगे, फिर हमारे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर स्कोप लिखेंगे। तो टॉस इज व्हाट, टाइटल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन लिखेंगे डिपार्टमेंट वाइज इंपॉर्टेंट वाइज, फिर रिकमेंडेशन व्यू। बोलो टी फॉर क्या है, फॉर टाइटल और टाइटल, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फॉर स्कोप। वेरी गुड। अब मतलब इसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते कि हम एक ब्रीफ टाइटल देंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे हमारा, स्कोप बताएंगे, उसको अपने मन से थोड़ा लिख सकते हो ना, उनको चाहिए इसमें सिर्फ टाइटल ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, पर उसको थोड़ा सा डिफाइन कर। ऑब्जेक्टिव बड़ा चढ़ा के लिखेंगे, अरे नहीं भाई एक ब्रीफ, छोटा सा ब्रीफ सबका देना है तुमको। फिर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन क्या है, जितने भी मैनेजमेंट ऑडिट करते हो फाइंडिंग कंक्लूजन वो डिपार्टमेंट वाइज लिखो, इंपॉर्टेंट वाइज, हर चीज थोड़ी ना लिखनी है, डिपार्टमेंट वाइज इंपॉर्टेंट वाइज। फिर हम क्या करेंगे ऑडिटी का व्यू लेंगे, ऑडिटी का व्यू की हम ये इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ये गलतियां हैं, आपका व्यू क्या है इसके ऊपर। फिर हम मैम सब रिकमेंडेशन आएगा क्या, एंडिंग के बाद फाइंडिंग रिकमेंड। के बाद रिकमेंडेशन है। हाँ रिकमेंडेशन पहले इम्प्रूवमेंट के देंगे, फिर उसके बाद उससे उसका व्यू जान लेंगे कि भाई तेरा क्या सोच विचार है बता दे, फिर फाइनली अपनी समरी दे देंगे रिपोर्ट में। दिस इज द गाइडलाइन। आया तो गाइडलाइन में क्या आएगा टॉस किया, मैनेजमेंट ऑडिट के वहां पे गाइडलाइन में क्या है टॉस। ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन ऑन रिपोर्टिंग, ये भी इजी है क्या मैम, बहुत इजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। स्टेप्स क्या है रिपोर्ट बनाते वक्त तुम क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, मुझे रिपोर्ट देनी है तो बस रिपोर्ट दे दूं कि पहले प्लान करूं कि रिपोर्ट में क्या है, शुड आई मेक अ रिपोर्ट डायरेक्टली कि मुझे ये सोचना ना मुझे बोलना क्या है भाई रिपोर्ट में। मैनेजमेंट ऑडिट करके आए हैं कुछ भी नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो डोंट यू थिंक किसी भी रिपोर्ट में सबसे पहले ये सोचा जाता है बोलना क्या है, ट्रू एंड फेयर यू है कि नहीं, तब वहां वो सोचते हो एडवर्स देना है क्वालिफाइड देना है कौन सी रिपोर्टिंग देनी है। तो यहाँ भी तो पहले यही सोचोगे, पहली स्टेप सोचो ना रिपोर्ट देने से पहले तुम यही सोचते हो कि कौन सी रिपोर्ट देनी है, मतलब क्या लिखना है मेरे को उसमें, क्या लोगों को बताना है, बस रिपोर्ट से काम चल जाएगा। नहीं मैम उस मैंने मैंने अगर कुछ बोला है तो उसके सपोर्ट में एविडेंस भी तो देने पड़ेंगे, तो मुझे एविडेंस देने पड़ेंगे। फिर रिपोर्ट लिख दो डायरेक्ट खटखट खटखट, मैम एक ड्राफ्ट बनता है पहले, आप चेक करते हो उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को, उस ड्राफ्ट रिपोर्ट को सामने वाले को भी देते हो कि देख ये रिपोर्ट देने वाला हूँ, फिर वो बोलेगा नहीं नहीं मैं ये चेंजेस करने को रेडी हूँ, फिर मेरी ड्राफ्ट रिपोर्ट में मैं चेंजेस भी करूंगी। तीन चीजें क्या हुई, क्या बोलना है, क्या लोगों को बोलना है पहले वो सोचो, उसके बाद तुम
जो सोचा है बोलने के लिए उसके सपोर्ट में तुम्हारा एविडेंस भी चाहिए। फिर तीसरा तुम एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे। अब ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद क्या करोगे? जो भी हमारी बीच में बातचीत हुई अब फाइनल रिपोर्ट ही तो बची, ड्राफ्ट थोड़ी ना दोगे, फिर फाइनल रिपोर्ट बनाओगे। फिर फाइनल रिपोर्ट में चेक भी करोगे फॉलो अप एक्शंस, क्योंकि मैनेजमेंट सुधर रहा है या नहीं सुधर रहा, उसका फॉलो अप एक्शन भी तो होना चाहिए कि नहीं वहां पे। और फिर लास्ट एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट, इन फॉलो अप एक्शन और इन सब चीजों को जो हमने रिपोर्ट में लिख के दिया उस पर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स और एक्शन कैसा निकल। स्टेप सोचो, मैंने सोच लिया मुझे क्या बताना है, उसके लिए मैंने क्या किया, जो सपोर्टिंग एविडेंस है वो इकट्ठे कर लिए। सपोर्टिंग एविडेंस के बाद मैंने क्या करना है, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनानी है, ड्राफ्ट के बाद एक फाइनल रिपोर्ट बन जाएगी। फाइनल रिपोर्ट के बाद मैं देखूंगी फॉलो अप एक्शन, रिव्यू करूंगी कि फॉलो अप हुआ नहीं हुआ क्या हुआ, और मैनेजमेंट का उस पर रिस्पॉन्स क्या आया लास्ट में ये चेक करना है। पहले तो ये स्टेप्स लिख लो, फिर डिटेल में चले। मोहम्मद वीडियो ऑन रखना है। कितनी देर की नींद ली वीडियो ऑफ करके? जागो जागो, ऑडिट खत्म हो जाएगा भी मैनेजमेंट का। मोहम्मद सारी स्टेप्स सुनाओ, चलो स्टेप बताओ क्या क्या थी मैनेजमेंट ऑडिट की। प्लानिंग तो ऑडिटरी अरे मोहम्मद कौन है भाई, नेशाली? ऐसे मुस्कुराने से तो कुछ चलेगा नहीं। क्यों वीडियो ऑफ किया था? क्योंकि अब ऑडिट झेलते नहीं बन रहा होगा थोड़ी देर बाद। अब देखो सब बच्चों का ना, जितने यहाँ पे दो क्वेश्चन के बाद मैनेजमेंट ऑडिट खत्म हो जाएगा। तुमने क्या किया, बीच में डिस्कनेक्ट रहे, तुम्हारा नुकसान हो गया, सब आगे निकल रहे। पढ़ो अभी, और 15-20 मिनट की क्लास है, खत्म फिर। चलो हुआ, स्टेप्स याद हुई, पहले सोचा बोलने का क्या, फिर सपोर्ट में एक एविडेंस, फिर एविडेंस के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर फाइनल रिपोर्ट, फिर हम फॉलो अप देखेंगे और फिर देखेंगे मैनेजमेंट ने क्या क्या एक्शन दिया, क्योंकि हम रिव्यू करेंगे कि फॉलो अप में क्या क्या हुआ। फिर फॉलो अप में उसको बताएंगे अच्छा ये नहीं ये करो, फिर देखो ना मैनेजमेंट वो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। दिस आर द स्टेप्स ऑफ योर रिपोर्ट। एक बार इसको हम इधर से गो थ्रू कर लेते हैं, ये भी खत्म, और लास्ट बचा है एक आंसर तुम्हारा प्लानिंग का, उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट जयराम जी के। क्या है यहाँ पे मैम स्टेप्स? क्या स्टेप्स है? प्लान कर लो व्हाट यू वांट टू टेल टू द रीडर्स, बताना क्या है भाई तुमको, सोच लो पहले। फिर यू शुड हैव सपोर्टिंग एविडेंस, जो भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उसके रिस्पेक्ट में यू शुड हैव अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। प्रिपेयर अ ड्राफ्ट रिपोर्ट, पूरी एक रिपोर्ट बना लो, जितने अच्छे से बना सकते हो ड्राफ्ट तो अच्छे से ही बनाओगे, बेस्ट पॉसिबल में वे में। फिर क्या करो, राइट एंड इश्यू द फाइनल रिपोर्ट, जो भी तुम्हारी फाइनल रिपोर्ट बनी है जिससे तुम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो कि हाँ यही रिपोर्ट है, अब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं हो सकते, वो इश्यू करो। टाइम टाइम पे रिव्यू करते रहो कि फॉलो अप हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट से बोला था ये चेंजेस कर, उसने किए नहीं किए तो क्यों नहीं किए, क्या रीजन है? हम वो गैप फुलफिल करते ना, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम समझा देते हैं, और उनका रीजन अप्रोप्रिएट था भी या नहीं था। सपोज करो तुमने कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट दिया उसने नहीं किया, तो पहले ही बोलोगे कि बस अब तेरे लिए एडवर्स रिपोर्ट, नहीं पहले पूछोगे क्यों नहीं किया। वो बोलेगा मुझे लगता है ये, तो बोलेंगे हम तेको समझाते हैं ना इसका रीजन क्या है, दैट मीन्स यू विल ट्राई टू फिल द गैप। और फिर सोचोगे यार ये बात तो ये सही बोल रहा है, इतने डिस्कशन के बाद भी समझ में आया कि इसकी बात सही है या फिर हमारी ही बात सही है, तो यहाँ पे तुम उसका रीजन अप्रोप्रिएट है या नहीं। डन, बोलो आया? बस
रेडी फॉर द लास्ट आंसर? 2 मिनट गोल घूम के आ जाओ कहीं पे भी, तुम्हारी नींद है सब उड़ जाएगी उस आंसर को देख के, क्योंकि वही सबसे बड़ा है। जाओ तुम्हें 2 मिनट का ब्रेक दिया। लास्ट क्वेश्चन फॉर द मैनेजमेंट ऑडिट। वी हैव स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, राइट? देन पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू कंसिडर जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करने बैठोगे। देन उसके बाद बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट, जिसमें एंटागोनिज्म और उसके कॉज भी थे और बिहेवियरल एस्पेक्ट के कॉजेज इन नेचर भी। फिर हमने अभी अब क्या करना, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में स्टेजेस ऑफ रिपोर्टिंग, then guidelines for reporting and then types of reporting. Now last management audit की plan करने बैठ। हमने पहले जानबूझ के easy part उठा लिया था reporting, अब हमारे management audit के planning पे। तीन phase होते हैं भाई planning, कितने phase होते हैं? There are 3 phases in the planning. अब तीन phase में सबसे easy क्या है? Third phase, जो भी तुमको finding मिली है conclude करके एक report बना दो। लो याद हो गया। फेज 3 क्या है? जितनी भी फाइंडिंग्स तुमने अभी तक निकाली, जितनी 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 फाइंडिंग निकाली उसी को तो कंक्लूड करोगे। कंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं मैम? रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें सारी फाइंडिंग रिकमेंडेशन लिख देते हैं। और क्या होता है मैम, सबसे पहले जब हम मैनेजमेंट ऑडिट करने जाएंगे मैम, एक प्लान डेवलप करें, डेवलपिंग मैनेजमेंट ऑडिट प्लान, ठीक है? फिर उस प्लान के हिसाब से ऑडिट को कंडक्ट करेंगे। जो प्लान किया उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे हमारे ऑडिट को, और बस वही कंक्लूड कर देंगे। तो 3 फेजेस बोलो पहले। पहले फेज में क्या करोगे? ऑडिट प्लान बनाओ। पहले फेज में क्या बनाओगे? ऑडिट प्लान बनाओ। दूसरे फेज में हम क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे ऑडिट। और तीसरे में कंक्लूड कर देंगे। तो लिखो पहले 1, 2, 3 फेज क्या। डन। थर्ड फेज लिख दो। कंक्लूड में क्या करते हो? प्रिपेयर रिपोर्ट दैट इंक्लूड फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। थर्ड फेज इज व्हाट? प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट दैट इंक्लूड फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन। अब तुम बताओ, कोई भी प्लान बनाते हो, सब कुछ छोड़ो कि ये मैनेजमेंट ऑडिट का प्लान है, छोड़ो, तुम कोई भी प्लान बनाओ। सपोज करो तुम टाइम टेबल बना रहे हो, टाइम टेबल में सबसे पहले क्या ध्यान रखते हो? अरे भाई ये तो कोई बिग फोर का क्वेश्चन हुआ नहीं। टाइम टेबल बनाने में तुम्हारे दिमाग में क्या होता है? टाइम टाइम टेबल में पहले टाइम, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, हम टाइम टेबल क्यों बना रहे हैं, वो भी तो करना है, करना क्या है, करना है। हाँ, क्या क्या टास्क है फिर से बोलो, कितने टाइम में कितना करना है, करना क्या है। मतलब वही हो गया, ले दे के सब अलग अलग लैंग्वेज में ये बोल रहे मैम, कितने देर में क्या करना है, मतलब टाइम हो गया, वो हो गया, टाइम हो गया, अब दूसरा कुछ बोलो। बस ऑडिट खत्म हुए, तुम्हारे 2 महीने हो गए, उसके बाद कुछ ऑडिट की प्लानिंग नहीं है, कुछ तो रखोगे? रिवीजन हाँ, जो हम करते भले ही नहीं है बट प्लान जरूर करते हैं। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बोल दो उसको, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। तो एक चीज तो तुम्हारे इस पर क्या हो जाएगी, ऑडिट में तुम टाइम तो डिसाइड करोगे कि कितने टाइम में ऑडिट खत्म करना है, तो प्लानिंग में एक चीज तुम्हारी क्या होगी, टाइम, कितने टाइम में ऑडिट खत्म करना, और वो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारे पास नंबर ऑफ ऑडिटर्स कितने, तुम्हारे केस में नंबर ऑफ डेज है, इधर क्या है, टाइम डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑडिटर्स पे कि हमारे पास क्या है, ऑडिटर कौन है। दूसरा, कुछ इजी असाइनमेंट है तो 2 दिन में भी खत्म हो सकता है, बट असाइनमेंट इज बिग
तो असाइनमेंट पे भी तो डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में तुम्हारा ऑडिट होगा, तो प्लानिंग में टाइम कंसिडर होगा, और टाइम डिपेंड करता है असाइनमेंट पे, टाइम डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, एक हो गया था मेरा टाइम, दूसरा हो गया था फ्रीक्वेंसी। कोई चीज कितनी बार करनी पड़ेगी उसके नेचर पर डिपेंड करती है, किसी चीज पर टेस्टिंग मुझे कितनी बार करनी है या फिर ऑडिट कितनी बार रिवाइज करना है, वो तो उसके नेचर पर डिपेंड करता है। फिर हमको कसम खिलवानी पड़ती है कि आज से हम पढ़ेंगे, दैट इज माय रिकमेंडेटरी एक्शन फॉर यू। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में क्या है, नेचर पे। मैम ऑडिट इतना बड़ा है, साइज पर भी डिपेंड करेगा उसका रिविजन कितनी बार हो, तो फ्रीक्वेंसी भी किस पर डिपेंड कर रही है, साइज पे, नेचर पे, कि कोई चीज का नेचर कैसा है। मैम बार बार किसी चीज की चेकिंग क्यों कर रहे हो, बार बार किसी चीज को लिख लिख के क्यों देख रहे हो, मुझे एग्जेम्पशन चाहिए उसमें, इसलिए मैं उसको स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव भी तो डिसाइड करेगा मैं किसी काम को बार बार क्यों कर रही हूँ। तो क्या हुआ, फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है किसके ऊपर, मेरे ऑब्जेक्टिव के ऊपर, साइज के ऊपर, नेचर के ऊपर। तो टाइम किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ऑडिटर, नेचर ऑफ असाइनमेंट। फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है साइज, नेचर, ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा क्या उद्देश्य है कि वही काम बार बार क्यों कर रहे हो। दो पॉइंट हो गए तुम्हारे प्लानिंग के। और क्या देखोगे, और क्या करोगे, टाइम टेबल बना के क्या करोगे, फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन, टारगेट्स अचीव करेंगे। फॉलो करेंगे, अगर कोई चेंजेस होगी तो चेंज करेंगे। फॉलो करेंगे। चलो अब एक चीज बताओ, तुमने टाइम टेबल बना लिया, तुम उसे फॉलो कर रहे हो, मतलब एक प्रॉपर ट्रेनिंग में आ गए ना, अपने आप को उसी चीज में ढाल रहे हो, तो दैट इज ट्रेनिंग। यू हैव स्टार्टेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योर सेल्फ कि इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे बैठना है, ये पढ़ना है, तो दैट इज नथिंग बट अ ट्रेनिंग। नई नई चीजें सीख रहे हो, यू हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग योर सेल्फ। तो प्लानिंग में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तो इंक्लूड होता है ना, प्लानिंग इंक्लूड्स व्हाट, ट्रेनिंग प्रोग्राम आल्सो। और प्लानिंग में क्या करोगे, सिर्फ ऑडिट की प्लानिंग करने बैठोगे, नहीं मैम, प्लानिंग में प्रॉपरली हर सब्जेक्ट को ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी हर पर्सनल के हिसाब से सोचोगे ना कि पर्सनल को कितना नॉलेज है, लॉ का कितना है, किस चीज का कितना है, तो मेरे प्लानिंग में मैं क्या क्या चीजें सोचूंगी, तो अब वो इसके हिसाब से सोचो। पॉइंटर्स तुम टाइम टेबल से उठा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सोचो कि प्लानिंग करते वक्त मैं क्या क्या सोचूंगी। सबसे पहले ऑडिट फंक्शन की लोकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, क्या ऑडिट फंक्शन की लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन कितना वैल्यू देता है ऑडिट को। तुम मैनेजमेंट ऑडिट तो करवा रहे हो, पर मुझे प्लान करना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑडिट फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन, कितना सीरियसली ऑडिट फंक्शन को लेती है ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से मेरी प्लानिंग है। तो स्टेटस ऑफ ऑडिट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन विल डिसाइड योर एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। तो मैम पर्सनल प्लानिंग तो कर लिया, लोग चाहिए, तो वी विल, कैसे चाहिए तुम्हें लोग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले ही चाहिए ना, जिनको ऑडिट पता हो, इकोनॉमिक्स पता हो, लॉ पता हो, टैक्स पता हो, थोड़े ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स पता हो, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हैं, मैनेजमेंट के फंडा भी पता होने चाहिए, थोड़े थोड़े बहुत ऑडिट के फंडा पता होना चाहिए, थोड़े बहुत लॉ, थोड़े बहुत टैक्स, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत सी चीजें देखती है। मैम फिर जहां लगेगा हम लोगों को ट्रेन भी करेंगे, ताकि हमको एडिशनल कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, या फिर हमारे लिए एडवांटेज हो, क्योंकि हम ऑलरेडी ट्रेन्ड है। हमारा टाइम डिपेंड करेगा असाइनमेंट एंड नंबर ऑफ ऑडिटर पे, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी नेचर, साइज, ऑब्जेक्टिव एंड डिवाइस स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। मैं एक पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट दूंगी जिसमें स्कोप होगा, मेरे एक्टिविटीज का स्कोप क्या है। मैम मैं प्लान बना रही, प्लान में मैं सबसे पहले स्टेटस देख, किसका स्टेटस, ऑडिट फंक्शन का स्टेटस क्या, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे मैम, पर्सनल्स को अलॉट करोगे, लेकिन पर्सनल कैसे चाहिए आपको, जिनको कम से कम लॉ, टैक्स, इनका नॉलेज हो, ऑडिट थ्योरी का नॉलेज हो, ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल का, मैनेजमेंट का नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए। फिर पर्सनल के बाद मैम आप क्या करोगे, पर्सनल के बाद मुझे जो जो याद आ रहा है मैं अभी वो लिख रही हूँ, टाइम के बारे में सोचूंगी, फ्रीक्वेंसी के बारे में सोचूंगी,
टाइम तो मैम डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम डिपेंड करता है ऑडिटर्स कितने हैं मेरे पास और नेचर ऑफ असाइनमेंट कैसा है। मैम फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, साइज, ऑब्जेक्टिव, और किस पे डिपेंड करेगी, अगेन नेचर ऑफ असाइनमेंट पे मेरी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करेगी। मैम इसके बाद मैं एक पूरी पॉलिसी में लिख दूंगी क्या, एक स्टेटमेंट जिससे मेरा स्कोप पता चल जाए। पॉलिसी बनाओगे तो स्कोप तो जरूरी है, प्लान बनाओगे तो स्कोप तो जरूरी है कि क्या स्कोप है, स्कोप के हिसाब से प्लान। ना तुम ऐसे समझो तुम देने जा रहे हो फर्स्ट ग्रुप, दैट इज योर स्कोप। अब स्कोप के हिसाब से प्लान करोगे कि डीटी का पढ़ने बैठोगे इस वक्त, तो व्हाट इज योर स्कोप, फर्स्ट ग्रुप इज योर स्कोप। अब स्कोप के हिसाब से प्लान करोगे, अंडरस्टूड? तो फिर से बोलो, सबसे पहले प्लानिंग में सोचूंगी क्या, सोचूंगी ऑडिट फंक्शन का स्टेटस क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑडिट फंक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर लोग चाहिए उस काम को करने, तो पर्सनल का गुड नॉलेज किन किन चीजों का होना चाहिए, टैक्स, लॉ, ऑर्गेनाइजेशन। जेट प्लेन जा रहा है, तो आवाज नहीं आ रही हमें। फिर इसके बाद टाइम, टाइम किस, टाइम चेक करूंगी नंबर ऑफ ऑडिटर्स के हिसाब से पता चलेगा मैं कितने टाइम। फिर उसके बाद किस पे पता चलेगा, असाइनमेंट का नेचर कैसे उससे पता चलेगा। फिर फ्रीक्वेंसी भी साइज, नेचर, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है। और आई विल डिवाइज अ स्टेटमेंट इन द पॉलिसी दैट विल गिव माय स्कोप। लिख लो जल्दी से इसको, बस लास्ट का सेकंड फेज बचा है तुम्हारा, मैनेजमेंट ऑडिट खत्म हो जाए। Done? यस अब लास्ट, कंडक्टिंग द मैनेजमेंट ऑडिट। सिंपल है, 5 मिनट का काम है। कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट, अरे कंडक्ट करने के लिए थोड़ा बहुत जहां इंटरव्यू लेना है लोगों से इंटरव्यू तो लोगे ना, मैनेजमेंट को समझना है तो मैनेजमेंट को समझने के लिए सामने वाले से कुछ क्वेश्चन पूछने ही पड़ेंगे। तो कंडक्ट करने में सबसे पहले यू विल टेक इंटरव्यू। डन? तो तुम क्या करोगे, यू विल टेक इंटरव्यू, कुछ क्वेश्चंस पूछोगे उनसे। और क्वेश्चन पूछने से पहले ही बता देना तुम्हारा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। तो फर्स्ट थिंग यू विल स्टार्ट विद द इंटरव्यू, और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछोगे एंड क्वेश्चन का पर्पस क्या है ये बताओगे, बस दैट इज कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में एक वर्ड याद रखो, इंटरव्यू से स्टार्ट होता है। इंटरव्यू मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है, यू विल स्टेट द पर्पस। अब ये अलग से क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनरीज। मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनरी से आप क्या क्या कर सकते हो, तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर मतलब एक क्वेश्चनर लिख के देगा ऑडिटर जिसको मैनेजमेंट को आंसर करना होगा। तो उससे, उसके बेसिस पे समझो मुझे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कुछ समझना है तो मैं तुमसे 10 क्वेश्चन पूछूंगी।
और 10 क्वेश्चन के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगी तुम्हारी पढ़ाई कैसी हुई। वैसे ही मैनेजमेंट ऑडिट करना है तो वो भी एक क्वेश्चन की लिस्ट बना के भेज देगा, मैनेजमेंट फुलफिल करके देगा और ये पढ़ पढ़ के समझ रहा है कि मैनेजमेंट का काम कैसा है। अब इसको कैसे करोगे, फ्लो समझो। जैसा ये फ्लो लिखा है ना, तुमने अगर प्रिंट निकाल लिया है तो प्रिंट में ऐसे ही उसको नंबरिंग दे दो। तुम क्या करोगे, सबसे पहले अच्छे से एग्जामिनेशन करोगे। ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चनर आया ना, इस क्वेश्चनर का प्रॉपर एग्जामिनेशन करोगे, अच्छा कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रेंसिव एग्जामिनेशन करोगे। प्रॉपरली क्या करोगे, कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रेंसिव एग्जामिनेशन, ये कीवर्ड्स हैं, लर्न करो। कंस्ट्रक्टिव कॉम्प्रेंसिव एग्जामिनेशन करोगे किस चीज का, ऑर्गेनाइजेशन जो भी मेथड फॉलो करता है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट के क्वेश्चनर में सब कुछ लिखा होगा। तो इसमें मैं अंदर क्या देखने की कोशिश कर रही हूँ कि इनकी मेथडोलॉजी कैसी है, उसको एग्जामिन कर रही हूँ। तो मैं एग्जामिन करूंगी ऑर्गेनाइजेशन के मेथड। ऑर्गेनाइजेशन के मेथड को कहाँ कहाँ एग्जामिन करते हैं, हम हर फंक्शनल एरिया ऑपरेशनल एरिया को इवेल्युएट करें। सबसे पहले एग्जामिनेशन होगा उनकी मेथड का, कौन सी मेथड, कहाँ की मेथड, ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एरियाज में। हर ऑपरेशनल फंक्शनल एरिया में मैं चेक करूंगी। इसमें मैं ये देखूंगी जो भी काम हुआ है उसमें मैनेजमेंट का अप्रेजल था, तो आई विल बी कंसर्न अबाउट द अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो भी काम कर रही है, क्या वो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने में हेल्प कर भी रहा है या नहीं कर रहा, मैं यही तो देखना चाहती हूँ। तुमने गीत वाला कार्ड कर दिया लेकिन तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे, तुम मैनेजमेंट के जो डिसीजंस हैं वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए नहीं चल रहे। 3 चीजें, पहले तो मैं मेथडोलॉजिक चेक कर रही हूँ, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन कर रही, फिर मैं किसका एग्जामिनेशन कर रही हूँ, फंक्शनल ऑपरेशनल एरियाज का। क्यों कर रही हूँ, आई एम कंसर्न अबाउट मैनेजमेंट एक्शन, वेदर दे हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। समझ में, वो जो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में कुछ हेल्प करेगा भी या नहीं करेगा, मैं देख रही हूँ। फिर इन्होंने जो भी प्लानिंग की है वो प्लान कितना अच्छा था या कितना बुरा था, हाउ प्लान द हाउ वॉज द प्लान एग्जीक्यूटेड। कुछ भी अगर मैनेजमेंट कर रहा है, कितने अच्छे से प्लानिंग करी, कितने अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज डायरेक्ट कंट्रोल किया, ये तुमने पढ़ा है बिजनेस मैनेजमेंट में 11th में, प्लान ऑर्गेनाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल। प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, मैनेजमेंट का काम है प्लान करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करके देना, लोगों को डायरेक्ट करना कि भाई ये काम करके दे और उनको कंट्रोल में रख। तो कितने अच्छे से मैनेजमेंट ये काम करती है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही वही है। और जो भी फिर वीकनेस है उसको क्या करो, डेफिशिएंसीज को हाईलाइट करो, जितनी भी वीकनेस है डेफिशिएंसी उसको क्या करो, हाईलाइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मेथडोलॉजी पे जा रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की मेथडोलॉजी, किस पे, ऑर्गेनाइजेशन के मेथडोलॉजी पे। उसको मैं क्या करती हूँ, मैम ऑर्गेनाइजेशन की मेथडोलॉजी को कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन, अच्छे से उसको समझ रही हूँ, कॉम्प्रेंसिव कंस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों करना सिर्फ एक लिंक है कि दूसरा आंसर क्या होगा। हम देख रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसके ऑपरेशनल एंड फंक्शनल एरियाज को, ठीक है। इसमें हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम कंसर्न अबाउट मैनेजमेंट्स अप्रेजल, वेदर इट विल अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसने जिस जिन चीजों में हाँ हाँ भर के रखी वो ऑब्जेक्टिव के लिए है भी या नहीं। 3, चौथा क्या, एक और जेट प्लेन आ रहा है। चौथा, कितने अच्छे से प्लान डायरेक्ट ऑर्गेनाइज कंट्रोल करते हैं, डेफिशिएंसीज को वीकनेस को। फिर क्या करना है, यू हैव टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज, एंड आपको क्या पॉइंट आउट करना है, डेफिशिएंसी आया। तो ये क्या है, ये आंसर है मैनेजमेंट क्वेश्चनरी किन चीजों में हेल्प करती है। और यही आंसर किसका बनेगा, जब तुम प्लानिंग फेज पे आओगे कि मैनेजमेंट ऑडिट प्लान कैसे, तो प्लानिंग फेज में 1, डेवलप द प्लान, 2, कंडक्ट, 3, कंक्लूड। और कंडक्ट के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर। डन, सो दिस कंप्लीट योर मैनेजमेंट ऑडिट का चैप्टर।
अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, क्या क्या चीजें ध्यान रखना है पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द मैनेजमेंट ऑडिट, दो। तीसरा फिर हमने क्या किया था, बिहेवियरल एस्पेक्ट। बिहेवियरल एस्पेक्ट में एंटागोनिज्म नाम की एक अलग ही चीज आई थी। बिहेवियरल एस्पेक्ट के भी नेचर एंड कॉज थे, जो था कंट्रोल, रेजिस्टेंस, और ये तुम्हारा एम्प्लॉय ये मैनेजमेंट बोलता है मैं स्पेशलिस्ट हूँ, वो बोलता है ये हमारे एम्प्लॉय जैसा, ठीक है। फिर एंटागोनिज्म के कॉजेस थे, फियर टू क्रिटिसिज्म, फियर टू चेंजेस, चेंजेस यूनिटिव एक्शन, यूनिटिव एंड देन ऑडिट इनसेंसिटिव तुम्हारा ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट था। ऑडिट फिर हम आए थे किसके ऊपर, रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग है, चार तरह, वो नाम भूल गए शायद, ओरल ओरल रिपोर्ट, ओरल रिटेन, फिर हम ओरल, इंटरिम, रेगुलर, रिपोर्ट समरी। एंड हाँ, समरी ओरल, इंटरिम इंटरिम, रेगुलर रेगुलर, समरी, स्टेजेस एंड समरी गाइडलाइन भी थी। और वो टॉस वाला क्या था आंसर, गाइडलाइन। गाइडलाइन गाइडलाइन, ठीक गाइडलाइन है, तो ये तीन हो गए, गाइडलाइन, फिर उसके बाद स्टेजेस और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। फिर प्रॉपरली हम आए थे किसके ऊपर, प्लानिंग करने के ऊपर। प्लानिंग में एक तो प्लान करो, फिर कंडक्ट करो, फिर हाँ कंक्लूड। और कंडक्ट वाले में एक आंसर और है, मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर, ठीक है। एक था इसमें सॉल्यूशन और बिहेवियरल चेंजेस, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के सॉल्यूशन थे, उसमें तीन अच्छे अच्छे टर्म थे, पार्टिसिपेटिव कंजर्वेटिव अप्रोच, कंजर्वेटिव कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेटिव क्रिटिसिज्म, और एक क्या था, पार्टिसिपेशन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग 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 मेथड, जिसमें फ्रेंडली रहो, फ्रेंडली टोन यूज करो, लेकिन फर्म होना चाहिए चीजें, फॉर्म ठीक है। तो डन विद द मैनेजमेंट ऑडिट।